यू व्हाट्सअप गाइस, तो के हाल चाल। तो मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल निंजा आर्मी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा कि वेपन मास्टर टाइटल आप लोग सबसे इजी तरीके से कैसे ले सकते हो, ठीक है। तो मैं यहां पर कुछ आप लोगों को ट्रिकें बताऊंगा जो वेपन मास्टर लेने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर ट्रिकें बताऊंगा, अगर आप लोग उन ट्रिक को फॉलो करते हो तो भाई आप लोगों को वेपन मास्टर लेने से कोई नहीं रोक सकता भाई, कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जो मैं ट्रिकें बताऊंगा उन ट्रिक को आप लोग फॉलो करते हो तो आप लोग ये वेपन मास्टर टाइटल है वो 10 मिनट में आप लोग पूरा कर सकते हो, ठीक है। और आप लोग जो मैं ट्रिकें बताऊंगा उन ट्रिक को आप लोग फॉलो करते हो, ठीक है। तो सो गाइस, मैं आपको वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, क्योंकि इसी टाइप की गेमिंग्स वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर आती रहती हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तेरा बाप आया। तो सबसे पहले टॉप 5 कमेंट को शाउट आउट। तो सबसे पहला शाउट आउट जाता है सुरेश मतानी, दूसरा शाउट आउट जाता है पबजी लाइट दुनिया, और तीसरा शाउट आउट जाता है रामदास सिंह, और चौथा शाउट आउट जाता है तेज धोबा, और जो पांचवा शाउट आउट जाता है वो जाता है नॉर्डिक गेमिंग। और आपके लिए हमारे वीडियो को शाउट आउट चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो के टॉप 5 कमेंट में से एक बन जाइए और आपके लिए भी हमारी वीडियो में शाउट आउट मिल जाएगा। तो दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वेपन मास्टर टाइटल लेने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, इन रूल्स को आप लोग फॉलो करते हो तभी आप लोग वेपन मास्टर टाइटल ले पाओगे, ठीक है। तो वो कौन से रूल्स हैं तो मैं आप लोगों को फटाफट वो रूल्स दिखा देता हूं। तो हम जाते हैं मिशन वाले ऑप्शन में। मिशन में ऑप्शन में जाने के बाद आपका कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आप लोग थर्ड नंबर पर देख रहे हो अचीवमेंट्स, ठीक है। अचीवमेंट्स में जाओगे तो आप यहाँ पर सेकंड नंबर पर आना होगा, ठीक है। तो सेकंड नंबर पर आने के बाद आप देख सकते हो बहुत सारे टाइटल देखने को मिल जाएंगे, चिकन टाइटल, कमांडो टाइटल, बहुत सारे टाइटल मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग आना लास्ट में आने के बाद लास्ट के सेकंड नंबर पर आप देख सकते हो वेपन मास्टर टाइटल, ठीक है। तो ये वाला टाइटल है जिसे हमें आज लेना है, ठीक है। तो मैं पहले से ले चुका हूँ टाइटल ये, मगर आप लोगों को बताऊंगा कि आप तो टाइटल कैसे ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो टाइटल है उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कंप्लीट ऑल द फॉलोइंग किल्स इन ए क्लासिश मैच इन प्लेटियम टायर वो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टायर होना चाहिए भाई, वो प्लेटियम तक होना चाहिए, ठीक है। तो प्लेटियम का टायर जो होना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी आप लोग वेपन मास्टर टाइटल ले पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले किल करना पड़ता है वो करना पड़ता है AR से, फिर SMG और फिर स्नाइपर, फिर शॉटिंग गन, और फिर एक नेट से और एक कार से। तो ठीक है, यहाँ पर 6 किल करने पड़ते हैं, वो भी अलग अलग चीज़ों से, ठीक है। तो मतलब अलग अलग गन से और अलग अलग चीज़ों से, ठीक है। तो इस टाइप से किल करने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं आप लोगों तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँगी ये वेपन मास्टर टाइटल है, आप किसी में भी पूरा कर सकते हो, सोलो में या स्क्वाड में या डुओ में किसी में भी पूरा कर सकते हो। ये हमारा वेपन मास्टर जो टाइटल है, ठीक है। तो आप इसे किसी में पूरा कर सकते हो, बस आपका टायर प्लेटियम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आपका टायर प्लेटियम है सोलो या डुओ में या स्क्वाड में तो आप लोग ये वेपन मास्टर टाइटल बड़े इजी तरीके से कर लेते हो, कर लोगे। तो कुछ गन्स हैं उनसे किल करना पड़ता है, तो अलग अलग गन्स होती हैं, तो वो गन्स भी आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों आपके लिए कुछ अलग अलग गन्स से बंदे मारने हैं, तो वो कौन कौन सी गन्स है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले नंबर की आती है AR गन्स। तो AR गन्स में हमारी आती है AKM, स्कारेल, M4, ग्रोजा, कुछ इस टाइप्स की गन्स आ जाती हैं जिससे हमें एक बंदा किल करना होता है। कोई सी भी एक गन मिल जाए हमें, उससे हमें एक ही बंदा किल करना है, ठीक है। तो आप दूसरे नंबर पे आती हैं हमारी कुछ स्नाइपर, ठीक है। तो स्नाइपर में कौन कौन सी गन्स होती हैं, SKS, BSS, Mini-40 और MK-40, SLR जो अभी एक न्यू गन आई है, ठीक है। तो इस टाइप की गन्स भी आप एक ही बंदा किल करना होता है, ठीक है। तो कोई सी भी एक गन मिल जाए हम उससे एक बंदा हमें किल करना है, ठीक है। तो आप बात करते हैं थर्ड नंबर पर SMG गन से, ठीक है। तो SMG गन में हमें कौन कौन सी गन्स चाहिए हमें लिए, UZ, UMP, विक्ट्रे, कुछ इस टाइप की गन्स भी मिल जाती है हमारे लिए, जो आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे हो, ठीक है। तो इस टाइप की आपके लिए गन्स मिल जाती है, इससे भी हमें एक बंदा किल करना होता है, ठीक है। तो अब आते हैं शॉटिंग गन पे, ठीक है। तो शॉटिंग गन हमारी हो जाती है S12K, कुछ इस टाइप की गन्स आप लोग बताइए S12K में कौन कौन सी गन्स आती हैं। तो वो जाली होती हैं शॉटिंग गन, ठीक है। शॉटिंग गन से भी हमें एक ही बंदा किल करना होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि भाई बचे हमारे दो किल, जो हमें दो किल करेंगे तो वो हो जाता है एक गाड़ी से और एक नेट से। तो गाड़ी भी हमें कोई सी मिल जाए कोई टेंशन नहीं, हमें उससे बंदा किल करना है बिल्कुल गाड़ी से, ठीक है। और एक हमारे लिए नेट से बंदा मारना है, ठीक है। तो अब मैं एक आपके लिए एक छोटा सा गेम प्ले करके दिखाऊंगा जहां पर आप लोगों को एकदम सही तरीके से और पता चल जाएगा, जो मैंने आप लोगों को बताई दिया इसके जो मिशन क्या फॉलो करना होता है क्या नहीं। तो मैं आप छोटा सा एक गेम प्ले दिखाऊंगा, वहां पर आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे बंदे क्लिक करने हैं, ठीक है। तो हम गेम प्ले को स्टार्ट करते हैं।
दोस्तों गेम प्ले हमारा स्टार्ट हो चुका है, और स्टार्ट होने के बाद आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आपके लिए जब भी बबल मास्टर टाइटल पूरा कर रहे हो तो आपके लिए सबसे लास्ट में उतरना है, हमेशा याद रखना। लास्ट में उतरोगे तो आपके लिए कुछ बॉट मिल जाएंगे जिन्हें आप किल कर सकते हो बड़े आसानी से, जो हमारे तो मैं आपके लिए सबसे ट्रिक है हमारी, सबसे पहले ये ट्रिक है हमारी कि वो हमारी लास्ट में उतरना, सबसे पहले लास्ट में उतरोगे तो आपके लिए वहाँ पर बॉट मिलेंगे, तो बॉट को आप बड़े आसानी से मार सकते हो, ठीक है। तो भाई अगले आपके लिए बॉट मिलते हैं भाई, सबसे पहले तो आपके पता है आपके लिए कौन सी चीज़ें बंदे किल करने होते हैं, तो सबसे पहले आपके लिए बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ लूट करता हूँ, लूट देखता हूँ मेरे को क्या क्या मिलता है, यहाँ पर लूट करता हूँ फटाफट, ठीक है। तो मेरे को मिल चुका है एक एम गन जो है AR, ठीक है। तो मैं AR को लूट चुका हूँ, और मैं आगे यहाँ पर जाता हूँ तो मेरे को स्नाइपर भी मिल चुका है जो BSS है, तो मुझे स्नाइपर मिल चुका है, एंड यहाँ पर शॉटिंग गन भी है मेरे पास, ठीक है। शॉटिंग गन है, मैं शॉटिंग गन मैं यहाँ पर उठाऊंगा नहीं, और शॉटिंग गन को नहीं उठाने वाला, ठीक है। मैं यहाँ पर और यहाँ पर जा रहा हूँ मैं, ठीक है। और मैं एक आध बंदे की देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने AR और BSS उठा लिए, और चलो मैं आगे देखता हूँ और भी लूट कर लेता हूँ, देखता हूँ मेरे को क्या क्या मिलता है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर आया हूँ फाइनली, तो मेरे यहाँ पर फिर से AR ही मिल गई जो M40 है। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, मेरे को यहाँ पर नेड मिल गया जो काफ़ी अच्छी बात है। तो भाई आपके लिए भाई नेड मिल जाए, नेड या गाड़ी, तो अगर आपके लिए बॉट है आपके सामने और आपके लिए बॉट मारना है ना, तो आपके लिए सबसे पहले नेड या गाड़ी से मारना है। जैसे कि मेरे सामने एक बॉट आ चुका है, मैं इसे नेड से मारूंगा, ठीक है। क्योंकि ये वाले जो किल होते हैं ये थोड़े से मेरे को कठिन पड़ जाते हैं भाई, ठीक है। तो ये वाले किल सबसे पहले कर लिया करो, ठीक है। ये सबसे पहली ट्रिक है, जो देखो मैंने इससे किल कर दिया इससे, ठीक है। अब मैंने इसे किल कर दिया, मैं इसे लूट लेता हूँ, देखते इसके बाद क्या है। तो देखो इसके बाद SMG गन थी, ठीक है। तो मेरे को पास स्नाइपर है, मैं स्नाइपर से पहले किल करूंगा, कोई स्नाइपर से भी कठिन होता है, ठीक है। तो मैं स्नाइपर से कर लूंगा, और मैं यहाँ पर BSS मेरे पास है, और मैंने यहाँ पर थोड़ी और लूट कर ली, और मेरे को एक बंदा और मिल गया। मैं अब इसे स्नाइपर से मारता हूँ जो BSS है, ठीक है, BSS से मार दूंगा इसे। तो अब मैं इसे BSS से मारने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं इसके पास जाता हूँ फटाफट, और इसे BSS से पूरा किल कर देता हूँ, ठीक है। तो सामने ये बंदा मेरे को दिख गया है, तो मैं इसे BSS से मैं एकदम कदी इसे किल कर दूंगा, ठीक है। तो ये फाइनली मेरे को नॉकआउट हो चुका है, ठीक है। तो मैंने ये वाला टाइटल करा था स्क्वाड में, तो आप लोग किसी भी कर सकते हो, सोलो या डो या स्क्वाड में, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पर अकेले किया था ये। तो मेरे फाइनली 2 किल हो चुके हैं, अब मेरे को करना है फटाफट एक गाड़ी का कर लेता हूँ, जो मेरे को किल सबसे कठिन होते हैं ना भाई, ये कर लेता हूँ, ठीक है। मैं सबसे पहले तो अब मेरे का इसका भी हो गया, अब मैं यहाँ पर शॉटिंग उठा लेता हूँ, जो शॉटिंग गन का भी थोड़ा कठिन होता है बंदा मारना, तो मैं शॉटिंग गन भी उठा लेता हूँ यहाँ पर, और शॉटिंग गन में उठा चुका हूँ, ठीक है। और मैं फटाफट यहाँ पर एक गाड़ी उठाता हूँ, और गाड़ी से उठा के भाई जल्दी से आके एक गाड़ी का बंदा किल करता हूँ फटाफट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर गाड़ी ले लेता हूँ, गाड़ी मेरा खड़ा है इसके गैरेज के अंदर, और मैं इस गाड़ी को उठा लेता हूँ यहाँ पर जाकर। तो यहाँ पर मैं गाड़ी है मेरे को, मैं गाड़ी मिल चुकी है, मैं उठा लेता हूँ इसे, ठीक है। उठा के मैं निकलता हूँ यहाँ से, और एक बंदा और मिलता है, मैं उसे भी किल करता हूँ। तो फाइनली मेरे को एक बंदा और मिल चुका है, जो मैं अभी शॉटिंग गन से उड़ा दूंगा इसे भी। तो मेरे को शॉटिंग गन से इस बंदे को मार देता हूँ भाई, जो मैंने भाई जो कठिन किल पड़ते हैं ना, तो मैंने उन गन से हमें बंदे मार चुका हूँ, ठीक है। अब मेरे को बचे हैं कुछ, तो कोई इसे किल कर लेते हैं पहले, पूरा इसे पूरा किल कर दिया, और मेरे फाइनली हो चुके हैं 3 किल। तो सबसे पहले किल किया था मैंने नेड से, फिर दूसरा किल किया था मैंने स्नाइपर से, और तीसरा किल कर लिया मैंने अब शॉटिंग गन से। अब मेरा जो किल बचा है वो बचा है AR, SMG, ठीक है। तो कुछ इस टाइप के बचे हैं, AR, SMG बचा है मेरे पास, और एक गाड़ी का बचा है, ठीक है। उसके बाद मेरा हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो मेरे पास एक बंदा और आ चुका है यहाँ पर, फाइनली मैं इस बंदे को ही मारता हूँ। तो इस बंदे को मैं AR से किल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आ चुका है बंदा, इसे मैं AR से किल कर देता हूँ, जो बॉट ही है। और मेरा बड़ा आसानी तरीके से इन लोगों ने मेरा वेपन मास्टर टाइटल पूरा करवा देंगे ये लोग। तो भाई एक बात याद रखना, आपका ना भाई कहते लास्ट में उतरना है हमेशा, तभी आप वेपन मास्टर टाइटल ले पाओगे, ठीक है। तो ये मेरा AR से बंदा किल हो चुका है, और फाइनली मेरे हो चुके 4 बंदे किल। और मेरे को अब SMG से मारना है, SMG के बाद मेरे को एक कार से मारना है, जो सामने मेरे कार खड़ी है, ठीक है। कार भाई गाड़ी कोई सी भी हो, गाड़ी से मारना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाकर SMG गन लूट लेता हूँ, नहीं उससे पहले मैं कार का बंदा मार देता हूँ, ठीक है। कार ले जाता हूँ, SMG मेरे को मिली जाएगी कहीं ना कहीं, सबसे पहले मैं कार को मार देता हूँ, ठीक है। तो मैं कार लेकर जा ही रहा था भाई, मेरे को फाइनली एक बॉट और मिल गया। मैं इसने इस बॉट ने मेरे को काफ़ी डैमेज दिया है, कोई नहीं मैं इसे मारने वाला हूँ, तो इसे मार लेते हैं फटाफट। चल बेटे तेरे को मार लेते हैं। तो ये बॉट आ चुका है, तो ये बॉट को मैं इसे उड़ा देता हूँ। ये गया बॉट, ये मर चुका। तो मेरा फाइनली हो चुके हैं 5 किल, और अभी 22 बंदे अनलाइव हैं, और मैं इन्हें भी इनमें से मार ही लूँगा, ठीक है। तो अब मेरे को फटाफट चाहिए मेरे को SMG गन भैया, जो UMP चाहिए मेरे को, UMP UZ कुछ भी मिल जाए। तो मैं इस घर में जाता हूँ फटाफट, और देख लेते हैं क्या मिलता है मेरे को। तो फाइनली मिल चुका है मेरे को UMP गन, और मैं UMP लूट कर फटाफट जाता हूँ, और जल्दी जल्दी बंदे किल करता हूँ। तो मैं यहाँ पे स्कोप लगा लेता हूँ रेड डॉट का, और फटाफट यहाँ से जाता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, गाड़ी में बैठता हूँ, फटाफट यहाँ से निकलता हूँ। तो मैं फाइनली आ चुका हूँ जहाँ पर हमारा पहले डाउन टाउन होता था, वहाँ पर आ चुका हूँ। मगर अब नहीं है, यहाँ पर सेंटर रोड है, तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो देखते हैं मेरे को बंदे मिलते हैं, मैं यहाँ बंदे क्लिक करता हूँ फटाफट। तो मैं अंदर जाता हूँ भाई फटाफट, यहाँ पर कंधे जो भी है बंदे मिलेंगे मैं उनसे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया भाई, पेट्रोल ख़त्म हो गया गाड़ी का। तो मैं जाता हूँ हाउस के अंदर, क्योंकि रेड जोन बना हुआ है, रेड जोन बहुत ख़तरनाक होता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो मैं फटाफट घर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर देखते हैं बंदे बंदे आते हैं, उन्हें मारते हैं फटाफट। तो देखते हैं बंदे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो देखते हैं बंदे, आ जा बेटा। तो बंदे यहाँ पर आएंगे, तो इस टाइप से आप लोगों को खेलना, जैसे मैंने आप लोगों को देखो कितने आसानी तरीके से 5 किल मैंने कर लिए, तो इसी टाइप से आपको लिए करने हैं। तो अब मेरे यहाँ पर फाइनली मैंने थोड़ा सा वीडियो स्किप किया था, तो यहाँ पर बचे हैं 9 बंदे ऑन लाइव हैं, ठीक है। तो अब यहाँ मैं आ चुका हूँ, मेरे घर पर कुछ 2 बंदे आ चुके हैं मेरे हाउस में, जिससे मैं किल करने जा रहा हूँ। 2 बंदे आ चुके हैं यहाँ पर, देखो ये भागते हुए गया, देखो दिखा दिखा ना दिखा ना, ये देखो ये अभी दिखाऊंगा, ये देखो ये रहा ये बंदा। तो मैंने इसको डैमेज दे दिया काफ़ी सारा और ये अंदर चला गया। तो अंदर जाने के बाद यहाँ पर जाऊंगा मैं अंदर, तो देखना भाई 2 बंदे बैठे हुए होंगे जो मेरे को काफ़ी डैमेज देने वाले हैं। ये देखो कोई नहीं, देखो दोनों को फैला दूंगा, देखो मेरे क्या कनलोड हो गया, ओ भाई दोनों मर गए। तो मेरा देखो यहाँ पर हो चुके हैं 70 किल, मतलब कि 7 किल हो चुके हैं, सॉरी 7 किल हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं 7 किल कर चुके हैं और मेरा SMG का भी हो चुका है फाइनली कंप्लीट। और मेरे को अब मैं यहाँ पर चिकन करता हूँ, तो मेरा जो मिशन था वेपन मास्टर का वो हो चुका है कंप्लीट। अब भाई मेरे जो चिकन है भाई उसको भी देख लो, और वेपन मास्टर टाइटल मिलता है तो उसे भी देख ही लेना, वेपन मास्टर टाइटल मिलता है तो देख लेना, ठीक है। तो मैं अभी आप वेपन मास्टर टाइटल लूँगा, उससे पहले मैं चिकन कर लेता हूँ। तो चिकन तो फाइनली मेरे को एक लास्ट वाले बंदे बचे हैं, तो मैं उन्हें भी किल कर लेता हूँ। तो ये वाला जो लास्ट बंदा है देखो ऊपर बैठा हुआ है, तो मैं इसे भी किल कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसे किल करने के बाद हमारा फाइनली मिल चुका है वेपन मास्टर टाइटल, को देखते हैं आगे कि हमारा वेपन मास्टर टाइटल मिला है या नहीं मिला है, ठीक है, इसे चेक करते हैं फटाफट। तो दोस्तों मेरा हो चुका है चिकन, और यहाँ पर चिकन हो चुका है और मेरा चिकन भी हो चुका है, और MVP भी मेरे को ही मिला है, मेरा यहाँ पर 7 किल हो चुका है टोटल, ठीक है। तो हम फटाफट जाते हैं और हम चेक कर लेते हैं कि हमारा वेपन मास्टर टाइटल हमें मिला है या नहीं मिला है। तो फटाफट हम लॉबी में चेक करते हैं उसे। तो दोस्तों मैं आया हूँ लॉबी में और देखते हैं मेरे को टाइटल मिला है या नहीं मिला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखो अभी थोड़ा सा देखो, तो भैया मेरे को गोल्ड पे डायमंड पे आ गया, डायमंड वन पे, और फाइनली मेरे को मिल चुका है वेपन मास्टर टाइटल, ठीक है। देखो अब मैं इसे कर लेता हूँ फटाफट और यहाँ पर इसे करता हूँ, ओ भाई कतई जहर, भाई कतई जहर, वेपन मास्टर टाइटल फाइनली मेरे को मिल चुका है। और मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, इसे यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ लगा लेता हूँ, भाई साहब कतई वेपन मास्टर टाइटल मिल गया। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा मेरे को फाइनली मिल चुका है वेपन मास्टर टाइटल, वो भी 10 मिनट मैंने कर लिया कंप्लीट। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक मार देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि इसी टाइप की गेमिंग वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।